बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के द्वार खुले गए हैं। आपको बताएं कि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। हर घंटे 100 भक्त कर पाएंगे बप्पा के दर्शन, तो वहीं रोजाना सिर्फ 1000 भक्तों को एंट्री मिलती है, जो अब 100 भक्तों को मिलेगी, क्योंकि कोरोना है और कोरोना के तहत ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 100 लोगों को एंट्री दी जाएगी। 100 जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे। कोविड नियमों का पालन करना यहाँ पर जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। और उसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, फिर चाहे वो सैनिटाइजेशन हो या फिर मुंह पर मास्क पहनना हो, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। सिद्धि विनायक के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं। हर घंटे 100 भक्त यहाँ पर बप्पा के दर्शन कर पाएंगे। रोजाना 1000 भक्तों को एंट्री मिलेगी और हर घंटे 100 लोगों को एंट्री मिलेगी। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मुंबई के लोगों के लिए और एक अच्छी खबर, क्योंकि बहुत टाइम से एक ऐसे श्रद्धालु हैं कुछ जो इंतजार कर रहे थे कि कब सिद्धि विनायक के कपाट खुले और कब लोग दर्शन करने के लिए जा सके, तो ये अच्छी खबर है।